Good morning everyone, welcome to my channel. This is UGC NTNet International Climate Conventions. In sociology, you need to know the brief, the main point of the International Climate Conventions. It is nothing but any detailing, but you should know the three or four points of this convention. I am dividing this topic in two parts. This is part one. And another topic I am sending you after some time. तो first हम लोगों को जानना पड़ेगा कि convention क्या होता है. What is convention? Convention means conference. Conference. Conference means बहुत सारे लोग एक जगह आके एक पहले तो वो लोग एक subjects को choose करते हैं कि हम किसके ऊपर कॉन्फ्रेंस करेंगे. उसके बाद सबको इनविटेशन मिलता है कि इस जगह पे इस डेट को कॉन्फ्रेंस होगा, ता वो छोटा कंपनी हो या फिर कुछ लार्ज नेशनल कॉन्फ्रेंस हो और कुछ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी हो. तो ऐसा ही ये रूल्स रहता है कि कॉन्फ्रेंस में सबको बुलाया जाता है, तब सब लोग रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स उस सब्जेक्ट के ऊपर कुछ रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स डिसाइड करते हैं. उसके बाद वो लोग डॉक्यूमेंट, अगर मैं उस कॉन्फ्रेंस में होंगी एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माय कंट्री और माय कंपनी, आई एम साइनिंग द डॉक्यूमेंट फॉर दिस कॉन्फ्रेंस. So this is the when sign the document, it is called the ratified. Ratified means इसको जो protocol लिया गया है, जो rules लिया गया है, उसको मान्यता देना. Ratification. This is the convention का जो part होता है, उसी का इसका basic है. ये आप लोगों को जानना पड़ेगा. The ground rule. ग्राउंड रूल ऑफ द कन्वेंशन. नेम ऑफ द कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस का नाम होगा. कौन से ईयर में हुआ था वो आप लोगों को जानना पड़ेगा. अब पर्पस ऑफ द कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस का पर्पस क्या था ये आपको जानना पड़ेगा. कि अगर एनवायरमेंटल, अभी मैं इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस के ऊपर बात कर रही हूँ, तो सभी कॉन्फ्रेंस में एक ही टॉपिक को लेके कभी भी कॉन्फ्रेंस नहीं होता. अलग अलग ईयर में अलग अलग टॉपिक को लेके होगा. First, I am talking about the IPCC, that means Intergovernmental Panel on Climate Change. ये conference कब हुआ था? November 88 को. World Meteorological Organization, WMO, और United Nations Environmental Program, UNEP, ये मिलके ये conference जो है उसको arrange किया था. इनका aim क्या था? इनका aim था global warming. ग्लोबल वार्मिंग क्या है? अभी क्वेश्चन आएगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है. ग्लोबल वार्मिंग है कि हम लोगों का अर्थ का जो टेम्परेचर है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उसको कैसे रोके, इसके ऊपर ये कन्वेंशन हुआ था और कॉन्फ्रेंस हुआ था. नेक्स्ट, द यूनाइटेड नेशन फ्रेम कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंजेस. दिस इज ये कब हुआ था? 1992 में 9th मई ये हुआ था. अर्थ समिट इन कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो में. कब से कब तक? 3rd to 14th June तक इन 1992. एम, इसका एम क्या था? स्टेबलाइज्ड द ग्रीन हाउस गैसेस. ग्रीन हाउस गैसेस जो था उसके ऊपर बाद में भी आपका कॉन्फ्रेंस हुआ था, कन्वेंशन हुआ था. तो वहां पर 6 गैसेस के ऊपर वो लोग बात किए थे. मैं नेक्स्ट पार्ट में, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं वो सब डिस्कस करूंगी. तो इसका मेन एम था कि ग्रीन हाउस गैसेस जो होता है, जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन लोगों को स्टेबलाइज करना. मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम लोगों के ईयर में अगर बढ़ जाए, उसका पॉइंट अगर बढ़ जाए, तो क्या होगा ना होगा ये सब आप लोग जानते हैं. तो ग्रीन हाउस भी जरूरत है, लेकिन उस गैस को स्टेबलाइज करना भी जरूरत है, जरूरी है. इसीलिए ये समिट ऑर्गेनाइज हुआ था रियो डी जेनेरियो में. द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, UNCED, द प्लेस कहाँ पे था? तो ये था रियो डी जेनेरियो में. इसका नाम क्या था? अर्थ समिट.
कॉन्फ्रेंस रियो कॉन्फ्रेंस, इसका दूसरा नाम है क्या? रियो कॉन्फ्रेंस। एफएक्स कब से हुआ था? ये हुआ था, एफएक्स हुआ था 29th of December 1993 से इसका एफएक्स हुआ था। इसका जो एम्स एंड रिजल्ट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एम्स क्या था? क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको कैसे रोके। पॉल्यूटेंट दैट इज द रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव के बारे में मेनली बात किया गया था। इसका जो इफेक्ट्स है हम लोग के एनवायरमेंट में वो कैसे रोका जाए, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा। जैसे एक चीज आप लोगों को सोचना चाहिए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हम लोग बहुत सारे पेड़ पौधे ये सब फॉरेस्ट को हम लोग डिस्ट्रॉय करते हैं, ये सच है। इसके लिए एनवायरनमेंट में एक असर होता है, जैसे अमेज़न में आग लगा देना, ये बहुत बड़ी चौंका देने वाली एक इंसिडेंट था। ये मतलब बहुत शॉकिंग एक इंसिडेंट है। सो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हम लोग क्या क्या नहीं करते, तो इसके ऊपर क्या होता है कि आठ को उल्टा हम लोगों के ही ऊपर इसका इफेक्ट होता है, हम लोगों के ऊपर ही इसका इफेक्ट होता है। जैसे आप देखिए आफ्टर कोरोना, उसके टाइम में आप लोग सुनेंगे कि बहुत सारे जो एनिमल्स है, जो लोग हम इंसान के डर से घर से बाहर नहीं निकलते, वो लोग घर से बाहर निकल रहा था तब उस टाइम में, जब 3 महीने 4 महीने लगभग 2020 लॉकडाउन था, तब कोई नहीं निकल रहा था। एयर पोल्यूशन कम हो गया, ओजोन लेयर का जो बैड इफेक्ट था वो धीरे धीरे कम होता गया। ऐसे ही बात है, जो हम लोग, एक चीज आप लोगों को समझना चाहिए, जो हम लोग नेचर के साथ करेंगे, नेचर उल्टा हम लोगों के साथ वही चीज करेगा, वो हम लोग अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड समझ चुका है शायद इस एनवायरनमेंट क्या क्या कर सकता है। रिजल्ट, ओके, नेक्स्ट कम टू द पॉइंट, द रिजल्ट, एजेंडा 21, इसका रिजल्ट क्या था? एजेंडा 21 में क्या था? ये फॉरेस्ट प्रिंसिपल जिसके बारे में मैं बात की थी, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स के बारे में ये लोग थोड़ा बहुत कुछ प्रोटोकॉल्स ये कुछ वगैरह ऐड किए थे इस रिजल्ट में। तो ये सब कुछ इस समिट में, रियो डी जेनेरियो के जो समिट था उसमें ये सब कुछ डिस्कस हुआ था। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, आई एम कमिंग बैक वेरी सून इन पार्ट टू, उसमें और भी सारा समिट है, उसका ईयर है, उसका पर्पस क्या था, वो सब कुछ है। तो कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, एंड टिल देन गुड बाय।